नमस्कार, वेलकम टू चैनल फ्लाविया। माई आंसर के और एक धमाकेदार एपिसोड के साथ हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं विंटर केयर का हर एक सवाल को लेके। और आपसे भेजा हुआ विंटर केयर का हर एक सवाल को लेके आज मैं मैम के पास सारे क्वेश्चन रखने वाली हूँ और उम्मीद करते हैं कि मैम सारे क्वेश्चन का आज हम लोगों को आंसर देंगे और साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैम दे देंगे। वेलकम मैम, वेलकम टू द लाइव सेशन। और इसी के साथ साथ मैम कुछ क्वेश्चन आए हैं हम लोगों के दर्शकों के भेजे हुए, क्योंकि विंटर आ गए हैं और इस विंटर में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग। तो इस विंटर के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसी प्रॉब्लम को लेके आज मैं आ गई हूँ, और वो प्रॉब्लम के लिए क्या क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे वो हम लोगों को थोड़ा सा बता दीजिएगा। और इसी के साथ साथ चलिए फास्ट क्वेश्चन मैम से कर लेती हूँ। तो मैम आज का पहला क्वेश्चन है कि विंटर में लोगों का स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो ये ड्राई स्किन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? ओके, स्किन ड्राई होने का पहला शर्त ये है कि हम लोग, एक तो ठंडा का मौसम है, हम लोग पानी पीना बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, जितना कम पानी हम लोग पियेंगे ना, हम लोग का स्किन डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और डिहाइड्रेट अगर स्किन हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा स्किन ड्राइनेस भी, स्किन पे ड्राइनेस भी आ जाते हैं। तो सर्दी का मौसम होने पर भी आप लोग पानी पीना कम मत कीजिए, साथ ही साथ कोई सीजनल जो फ्रूट है उसको इंटेक कीजिए, साथ ही साथ फ्लाविया फ्रेश का ढेर सारा सप्लीमेंट्स है, उनमें से कुछ कुछ सप्लीमेंट्स जरूर इंटेक कीजिएगा। लेकिन जहां पर मैम क्वेश्चन किए है कि किस तरह से विंटर में स्किन को टेक केयर करें, उसी सवाल का जवाब देते हुए मैं कहना चाहूंगी, CTM इज मस्ट, स्क्रबिंग इज मस्ट, सन प्रोटेक्शन लोशन इज मस्ट। CTM करने के बाद, मतलब मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी अगर आपको लगे कि आपका स्किन ड्राई महसूस हो रहा है, तो आप फ्लाविया फ्रेश का जो नरिशिंग क्रीम है उसको स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, और ये नरिशिंग क्रीम भी आप लोग ऑल ओवर बॉडी में यूज कर सकते हो। तब भी अगर आपको लगे कि स्किन में ड्राइनेस आ गया है, नरिशिंग क्रीम के साथ फ्लाविया फ्रेश की जैतून ऑयल और फ्लाविया फ्रेश का जो बॉडी ऑयल है उसे भी एक साथ मिलाकर यूज कर सकते हो, या फिर मॉइस्चराइजर के साथ भी जैतून ऑयल या फिर फ्लाविया फ्रेश की बॉडी ऑयल मिलाकर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको रात के सोने के टाइम में थोड़ा समय मिल जाए तो भी आप जैतून ऑयल के साथ थोड़ा सा तुलसी ड्रॉप मिलाकर, अगर हो सके थोड़ा वार्म करके, गर्म करके अपने स्किन के ऊपर, साथ ही साथ चेहरे के ऊपर स्कैल्प के ऊपर भी उसे यूज कर सकते हो, लेकिन सुबह उठ के फेस वॉश जरूर कीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि आपने बताया कि वॉश करना बहुत जरूरी है, तो इसी के साथ साथ बॉडी वॉश के लिए फ्लाविया फ्रेश का विंटर के लिए खास करके कौन सा साबुन इस्तेमाल करें? हम तो सजेस्ट करेंगे फ्लाविया फ्रेश का जो मिल्क क्रीम सोप है उसी को सर्दी में यूज करने के लिए, और जिनका एज ऑलरेडी 35+ हो चुका है वो 12 महीना वही मिल्क क्रीम सोप अगर यूज करते हो तो स्किन के ऊपर कोई भी ड्राइनेस नहीं आने वाली है। लेकिन एज होने के बाद भी या फिर कम उम्र में भी किसी किसी को पिंपल या फिर विंटर में भी रैशेज आने का प्रॉब्लम रहता है, तो इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे एलो लाइम प्लस जो फ्लाविया फ्रेश के पास है उसमें ट्रीटी और तुलसी, साथ ही साथ बहुत सारे और भी ऑयल्स मिला हुआ है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग फ्लाविया फ्रेश की जो ऑरेंज सोप है उसको भी पसंद करते हैं सर्दियों में लगाने के लिए। ये पूरा तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है, मेरा तीनों बच्चा में से कौन सा बच्चा आपको ज्यादा पसंद है। मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि बच्चा, हाँ बच्चा ही है मैम के लिए। और इसी के साथ साथ आप लोग कौन सा सोप इस्तेमाल करना पसंद करते हैं वो भी हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मैम लोगों का कि नहाने के तुरंत बाद स्किन बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या यूज किया जाए? इसके लिए आप बाथरूम में ही ना फ्लाविया फ्रेश का जो बॉडी ऑयल है उसको रख दीजिए, टॉवल से थोड़ा ड्राई करने के बाद तुरंत आप बॉडी ऑयल अप्लाई कर लो। बॉडी ऑयल क्या करता है, नहाने के तुरंत बाद 2-3 मिनट के अंदर अगर आप बॉडी में ऑयल लगा लेते हो तो मॉइस्चर लॉक हो जाता है, दिन भर के लिए आपका स्किन के ऊपर ड्राइनेस आने वाली नहीं है। लेकिन जिनका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है या फिर थोड़ा एजिंग प्रोसेस जिनके स्किन के ऊपर आ गए हैं, वो रूम में आकर जो हम लोग का बॉडी मॉइस्चराइजर है, जो बॉडी लोशन है उसको भी अप्लाई कर सकते हो या फिर नरिशिंग क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो। और क्या क्या होता है, हिली एरिया में बहुत ज्यादा, मतलब थोड़े देर बाद ही स्किन ड्राई हो जाते हैं, तो वो लोग 1-2 घंटा बाद भी हमारा जो बॉडी लोशन है वो स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
थैंक यू। तो मैम ने बताया कि हिल एरिया में ठंडा पूरा साल भर ही रहता है, तो वहां पे एक दो घंटे बाद भी आप लोग मॉइस्चराइजर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और मॉइस्चराइजर के साथ साथ मैम और एक सवाल है कि जो चैप लिप्स होठ फटना ये तो खास करके पूरा महीना तो रहता ही है, लेकिन विंटर में खास करके दिखा जाता है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाए? इसके लिए फ्लेविया फिश के पास फ्लेविया फिश का लिप बम जो है वो डेफिनेटली यूज कीजिए। और एक काम कीजिएगा, मतलब नहीं कीजिएगा, एक्चुअली नहीं कीजिएगा, होठ ऐसा हम लोग करते हैं ना, मतलब गीला करते हुए करते हैं, तो ये मत कीजिएगा। ये जितना भर मतलब जीभ के द्वारा अपना होठ को गीला मत कीजिए, ये जितना बार आप कीजिएगा उतना ज्यादा आपका लिप जो है होठ जो है वो फटने वाले हैं। और फ्लेविया फिश का जो लिप बम है वो बहुत ही छोटा साइज का है, वो अपने पॉकेट में भी या फिर बैग में भी आप कैरी कर सकते हो। जब भी लगे कि आपका लिप ड्राई हो चुका है तो उसे एक बार यूज कर लीजिए, तो तुरंत आपका जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगा और आगे से लिप क्रैक भी नहीं होगा। विंटर में बहुत सारे लोगों का होठ फटने का प्रॉब्लम रहता है, और इसी के साथ साथ लोग बहुत सारे प्रॉब्लम में भुगतते हैं, बच्चे भी प्रॉब्लम में भुगतते हैं, बुजुर्ग लोग भी प्रॉब्लम भुगतते हैं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? चैप लिप्स के लिए फ्लेविया फिश के पास है लिप केयर, लिप बम जो है उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। और कुछ कुछ काम है जो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमें लिप जो है वो क्रैक होने का डर भी नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, लिप ड्राई हो जाने से बार बार जीभ से अपना लिप को गीला करते हुए रहते हैं, तो इससे क्या होता है, टेम्पररी गीला रहने से तो आराम मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा इस तरह से काम करते हुए ना लिप बहुत ज्यादा क्रैक हो जाते हैं, तो वहां पर दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी कभार होठ फट के खून भी निकलते हैं, तो ये काम हमें नहीं करनी चाहिए। और जो फ्लेविया फिश की लिप बाम जो है वो बहुत छोटी है, वो आप अपने पॉकेट में या फिर पर्स में भी कैरी कर सकते हो, जब भी आपको महसूस हो कि आपका लिप ड्राई में हो रहा है तो आप उसे एक बार लिप में लगा सकते हो, बुजुर्ग लोग भी लगा सकते हैं और बच्चे लोगों को भी हम ये लिप केयर जो है वो यूज करवा सकते हैं। तो ड्राई लिप के साथ साथ मैम बहुत सारे लोगों का हैंड भी क्रैक होता है, ठीक है, हाथ भी फट जाता है और ड्राई हैंड का प्रॉब्लम रहता है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? सर्दी में बहुत लोग मतलब ठंडा है इसलिए उतना अपना स्किन का केयर नहीं करते हैं, इसी वजह से हैंड भी क्रैक हो जाते हैं, लेकिन हमें हफ्ते में कम से कम 2 दिन स्क्रबिंग तो करनी ही चाहिए और साथ ही साथ मॉइस्चराइजर तो लगाना चाहिए हाथ में। और अगर मॉइस्चराइजर या नरिशिंग क्रीम में भी ड्राइनेस खत्म नहीं होती है तो उसके साथ जैतून ऑयल या फिर फ्लेविया फिश की बॉडी ऑयल भी मिला सकते हैं। एक बात बताओ, नागालैंड में हम लोग का बहुत सारा एसोसिएट है, वो लोग फ्लेविया फिश का जो बॉडी ऑयल है वो अपना पर्स में कैरी करते हैं, क्योंकि वहां पर मौसम बहुत ठंडा रहता है और कुछ देर बाद वो लोग अपने हैंड्स के ऊपर या फिर ओपन एरिया में फ्लेविया फिश का जो बॉडी ऑयल है, खासकर बॉडी ऑयल वो लोग बहुत प्रेफर करते हैं, उसे अप्लाई करते रहते हैं। तो ठंड मौसम में मैम बॉडी ऑयल अगर हम लोग दिन भर अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी जी। तो क्योंकि बॉडी ऑयल हम लोग जानते हैं कि बहुत ही लाइट है, हाँ। तो इसलिए कपड़े में लगने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका खुशबू मतलब इतना अच्छा है कि आपका दिन बन जाएगा। बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ मैम बहुत सारे लोगों का क्रैक हिल प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो क्रैक हिल के साथ आता है वो है बिस्तर में लग जाने का प्रॉब्लम, मतलब एरिया फट के अगर हम लोग अगर चादर अगर वैसा हो तो लग जाता है, पैर एकदम अटक अटक जाते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय बताएं? जी जी जी। बचपन में एक बात मेरी माँ बोलती थी, स्टिच इन टाइम सेव इन नाइन, अगर सही समय में सही जगह पे हम लोग रिपेयर कर लेते हैं तो आगे जाके बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आने वाली नहीं है, तो इसी तरह क्रैक हील एक दिन में होता नहीं है। जब सर्दी का मौसम शुरू होता है ना, तभी से अगर हम लोग अपना हील्स का केयर करना शुरू कर देते हैं तो क्रैक होना तो दूर की बात, बिस्तर में लग के दर्द होना भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक काम कर सकते हो, थोड़ा गर्म पानी लेके उसमें फ्लेविया फिश का शैम्पू डाल के, थोड़ा सा तुलसी ड्रॉप डाल के और थोड़ा सा खाने वाली जो नमक है वही डाल दीजिए, फिर वो गर्म पानी में अपना पाँव को रखिए थोड़ा देर, फिर ब्रश करके उसको वॉश कर लीजिए, फिर रूम में आके फ्लेविया फिश का जो हील हीलिंग लोशन है, याद रखिएगा हील हीलिंग लोशन मतलब हील को हील करने वाली लोशन, खास हील के लिए पाओ के लिए बना हुआ है, वो लगा लीजिए। लगाने के बाद एक सॉक्स, कॉटन सॉक्स पहन के आप सो जाइए, सुबह उठ के देखिएगा वो पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन ये एक दिन में होने वाला नहीं है, 2-4 दिन आपको ये कंटिन्यू करनी पड़ेगी। फिर
फिर आप रेगुलर बेसिस में अगर हील हीलिंग लोशन को हील में लगाओगे तो सर्दी में आपका हील क्रैक होने का डर नहीं रहेगा। थैंक यू मैम, क्योंकि ये हम सब लोग फेस करते हैं कभी ना कभी, विंटर आए तो ही हम लोगों का प्रॉब्लम होता है। और ऐसे ही एक विंटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ड्राई क्यूटिकल्स, ठीक है, हाथ के नाखून के पास ड्राई होता है और क्यूटिकल भी अगर बिस्तर में लग जाए, कहीं जगह लग जाए तो बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, कंबल में अगर लग जाता है। तो मैम आपके साथ ही मैं एक लाइव प्रोग्राम किए थे तब भी हमने बताए थे फ्लेक्सिट को थोड़ा कट करके फ्लेक्सिट का जो ऑयल्स है वो नाखून में लगाने से ये प्रॉब्लम चली जाएगी। जैतून ऑयल और तुलसी एक साथ मिला के हाथ में लगाने से प्रॉब्लम चली जाएगी। फ्लेविया फिश की लिप बम क्यूटिकल्स में अगर हम लगा लेते हैं, याद है ना आप लोगों को हमने बताए थे, अगर हाँ तो यस लिखिए, क्यूटिकल्स के ऊपर भी अगर हम लोग लिप बम लगा लेते हैं तो एक रात के भीतर ये प्रॉब्लम चली जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा हर एक काम के बाद, मतलब बर्तन मलने के बाद या फिर जब आप पानी छूना बंद करोगे, हाथ में थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा लीजिएगा, नहीं तो नरिशिंग क्रीम भी चलेगा। ओके, तो मैम ने बता दिया अभी, और ड्राई क्यूटिकल का प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है हम लोगों के पास। और ऐसे एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है मैम की रिंकल्स जो कि विंटर में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, तो रिंकल्स के लिए क्या क्या एडवाइस करते हैं आप? पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी रिंकल वाले जो प्रॉब्लम है उम्र कितनी है, जो क्वेश्चन किए थे उसका उम्र कितनी है? तो मैम उम्र तो खास करके लोग जितना रिंकल्स होता है प्रोन तो वो 35 अबव एज का ही होता है और उनका हमेशा ही रिंकल प्रॉब्लम रहता है, लेकिन खास करके विंटर सीजन में रिंकल और भी ज्यादा बढ़ जाता है, रिंकल प्रोन हो जाता है फेस जी। तो उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? सबसे पहले जब हम लोग प्रोग्राम शुरू किए थे हम बताए थे पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से हम लोग का स्किन हाइड्रेट रहती है और हाइड्रेट रहने से ड्राइनेस नहीं होती, यानी कि रिंकल भी नहीं आने वाली है। लेकिन जब रिंकल ऑलरेडी आ चुका है मैं ओनली प्रोडक्ट नरिशिंग क्रीम जो है उसको सजेस्ट करूंगी। उसके साथ अगर आप चाहो तो फ्लेक्सिट कट करके उसके साथ दो बोन, ज्यादा नहीं, एक फ्लेक्सिट कम से कम आपको 3 दिन तो आंख बंद करके जाएगा, 2 बोन फ्लेक्सिट उसमें डाल के एक साथ डाइल्यूट करके आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो जैतून ऑयल मिला के अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो जो हम लोग का बॉडी ऑयल है उसको भी मिला के यूज कर सकते हो। लेकिन लगाने से पहले फेस वॉश कीजिएगा, फिर लगाइएगा, रात भर रखिएगा, उसके अगले दिन फेस वॉश करके फिर आप किचन में जाइएगा कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर नरिशिंग क्रीम लगाने के बाद। ओके मैम, तो मैम इसके बाद है कि सन प्रोटेक्शन, तो ये विंटर के में बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इनके लिए आप कुछ बता दीजिए कि जो लोग इस्तेमाल नहीं करते उनको क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है ना विंटर में बहुत सर्दी, अगर वो धूप में निकलते हैं तो उनको लगता है कि आराम तो लगता है कि धूप उनके स्किन के ऊपर हानि नहीं कर रहा है, लेकिन ये गलत है। विंटर में भी यूवी रे और यूवी ए यूवी बी रे आपके स्किन के ऊपर नुकसान करने वाली है, तो इसके लिए डेफिनेटली हमें सन प्रोटेक्शन लोशन जो फ्लेविया फिश के पास ऑलरेडी है उसे अप्लाई करनी चाहिए। बाहर निकलने से पहले कम से कम 15-20 मिनट पहले आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर लो, फिर आप बाहर जाओ तो आपके स्किन के ऊपर यूवी ए और यूवी बी रे का कोई नुकसान आने वाली नहीं है। तो डेफिनेटली विंटर में सन प्रोटेक्शन अप्लाई करना ही चाहिए, और ये हर किसी को अप्लाई करना चाहिए। जी जी जी, हम लोग तो बच्चे लोगों को भी सजेस्ट करते हैं क्योंकि बच्चे लोग दिन भर धूप में खेलते रहते हैं, या फिर खैर अभी तो स्कूल बंद है लेकिन जब स्कूल खुल जाएगा तो उनको स्कूल में भी जाना पड़ेगा, ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खेलना कूदना, तो हम सजेस्ट करते हैं बच्चे लोगों को भी सन प्रोटेक्शन अप्लाई करने के बाद स्कूल भेजिएगा। जी बिल्कुल जरूर मैम का बात आप लोग ध्यान में रखिए, और विंटर में जो लोग कहते हैं कि धूप तो नहीं है सन प्रोटेक्शन अप्लाई क्यों करें, तो ये चीज सुनने के बाद सन प्रोटेक्शन ना भूलिए, जरूर उसको लगा के ही बाहर जाइए। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ना सोचते हैं मतलब 12-13 साल उम्र के बच्चे को क्यों लगाएंगे सन प्रोटेक्शन लोशन, एक्चुअली इसी उम्र में अगर हम लोग अपना स्किन का केयर करना शुरू कर देंगे तो आगे जाके बहुत दिनों तक आपका स्किन हेल्दी रहेगा। एक्चुअली पिंपल आना या फिर रिंकल आना या फिर दाग धब्बा आना कुछ भी नहीं आएगा अगर आप 12-13 साल के उम्र से ही आपका स्किन को ख्याल करना, टेक केयर करना शुरू कर दो, और खास करके धूप से अगर हम लोग बचाव करें, क्योंकि ज्यादातर पैचेस या फिर ब्लैकनेस जो सन टैन वो सारे तो धूप के वजह से ही आते हैं,
तो धूप से बचना हमें बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम। और ऐसे ही एक स्किन का प्रॉब्लम है विंटर में, खास करके एक्जिमा प्रॉब्लम। हाँ। तो ये खुजली प्रॉब्लम होते होते एक्जिमा हो जाते हैं, तो एक्जिमा को कंट्रोल करके उसको ठीक करने का क्या उपाय बताएं? हाँ, एक्जिमा प्रॉब्लम ना सर्दी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हाँ। हैं, तो इनके लिए आपको 2-3 सप्लीमेंट्स मैं सजेस्ट करूंगी, आप अपने हिसाब से इंटेक कीजिएगा। पहला नीम कैप्सूल, दूसरी मोरिंगो, और थर्ड जो है मैजिक बेरी, फोर्थ जो है सिबाक्थॉन या फिर आमला, या फिर हमारे पास जो है गैनोडर्मा गिलॉय, कोई भी एक या दो सप्लीमेंट्स आप इंटेक कर सकते हो। लेकिन जो आप एक्जिमा का बात बोले हो, ये सर्दी में बहुत बढ़ जाता है, इचिंग बहुत बढ़ जाती है, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा जो एरिया है एक्जिमा वाला जो एरिया है वो जगह ऑलवेज हाइड्रेट रखने के लिए आप नरिशिंग क्रीम को यूज कर सकते हो, या फिर जैतून ऑयल के साथ तुलसी ड्रॉप मिला के 2-3-4 जितना बार हो सके आप इफेक्टिव एरिया में अप्लाई करके उसको रख सकते हो, तो जरूर आराम मिलेगी। क्योंकि जैतून ऑयल में एक खास किस्म का इंग्रेडिएंट्स है जो ये सारे ड्राइनेस को खत्म करने में मदद करती है। उसके साथ जहां मैं तुलसी मिलाने के लिए बोली हूँ, तुलसी क्या कम करेगा, जो इचिंग रहेगा ना तो इचिंग को कम करने में मदद करेगी, ठीक है। लेकिन पानी ज्यादा करके पीजिएगा, ओके। और जैसे मैम आप बताया कि इचिंग, तो ऐसे इचिंग और ड्राइनेस हमारे नोज भी दिखने को मिलता है विंटर में, खास करके यहाँ पे खुजली करते हैं और इधर से फ्लेकी स्किन निकलती है, ड्राई हो जाते हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? हाँ, यहाँ पर जो फ्लेकी और ड्राइनेस आती है वो किस वजह से आते हैं, स्किन ड्राई हो जाते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा ऑयल या फिर क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के लिए, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको स्क्रबिंग करना भी उतना ही जरूरी है। और खास करके मैम अभी हम लोग मास्क भी पहन रहे हैं तो नाक में उतना ठंडा नहीं लगेगा, तो ठंड की वजह से यहाँ पे ड्राइनेस होता है। हाँ, तो शायद इस बार लोगों का ये कम ही हो। हाँ, उम्मीद करते हैं कि कम हो। तो मैम और एक 2-3 जो सवाल है वो अभी हेयर के ऊपर करने वाले हैं आपसे। तो हेयर का प्रॉब्लम विंटर में खास प्रॉब्लम जो है डैंड्रफ प्रॉब्लम। वैसे भी डैंड्रफ के लिए हम लोग तो बताते हैं हमेशा डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू वगैरह, लेकिन डैंड्रफ प्रॉब्लम के साथ साथ खुजली करते करते डैंड्रफ जो है स्कैल्प के अंदर बैठ जाता है और वहां से जल्दी जल्दी नहीं निकाल पाते हैं, तो इसके लिए क्या चीज बोलो कि यूज कर सकते हैं? डैंड्रफ प्रॉब्लम के लिए जो है ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ के लिए मैं ऑयल लगाना, खासकर ऑयली डैंड्रफ के लिए मैं ऑयल लगाना मना करती हूँ, सजेस्ट नहीं करती हूँ। अगर डैंड्रफ ड्राई डैंड्रफ हो तो मैं ऑयल लगाने के लिए सजेस्ट करती हूँ, लेकिन रात भर ऑयल लगा के रखने का कोई जरूरत नहीं है। नहाने से 1 घंटा पहले या फिर 1/2 घंटा पहले भी अगर आप ऑयल लगाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या क्या करनी पड़ेगी, प्लेविया फिश की एलोपेस ऑयल आप लगा सकते हो, एरोमा क्वीन ऑयल लगा सकते हो, लेकिन मैं खास तौर पर सजेस्ट करूंगी इसी प्रॉब्लम के लिए, अभी जो आप बताए कि हेयर के ऊपर पूरा एकदम बैठ जाता है डैंड्रफ, थोड़ा सा जैतून ऑयल लीजिएगा, डबल बॉइलिंग प्रोसेस में उसको गर्म कीजिएगा, उसके साथ थोड़ा सा ज्यादा करके तुलसी ड्रॉप मिलाइएगा, ठीक है। फिर थोड़ा गर्म रहते हुए, ज्यादा गर्म नहीं, थोड़ा गर्म रहते हुए वो पूरा स्कैल्प के ऊपर थोड़ा मालिश कीजिएगा, ठीक है, पूरा एकदम जड़ के ऊपर थोड़ा मालिश कीजिएगा, फिर उसी तरह से रख दीजिएगा। फिर फ्लाविया फिश की जो डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू है उसके साथ ये हेयर को वॉश करनी पड़ेगी। अगर आप चाहो तो इसके साथ एक पूरी फ्लेक्स सीड कट करके उसका पूरा ऑयल उसके साथ मिलाकर भी आप अप्लाई कर सकते हो। कम से कम हफ्ते में 3 दिन करनी पड़ेगी ऐसी जो प्रोसेस है, धीरे धीरे आपका जो भी ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगा। या फिर और एक टिप मैं दे देती हूँ, फ्लाविया फिश का जो CMD ड्रॉप है, 1 ड्रॉप CMD उसके साथ 2 ड्रॉप्स वाटर, अगर आप 30 ड्रॉप्स CMD लेते हो उसके साथ 60 ड्रॉप्स आपको वाटर लेनी पड़ेगी, दोनों एक साथ मिला के स्कैल्प के ऊपर स्प्रे करके हो चाहे कटन के द्वारा हो किसी भी प्रकार से आप लगा लो। लगाने के बाद 1/2 घंटा उसी तरह रख दो, फिर फ्लाविया फिश की डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू यूज करो। ये आप हफ्ते में 3-4 दिन भी कर सकते हो, लेकिन शैम्पू करना जरूरी है, साथ ही साथ फेयर पोर्शन में स्पा कंडीशनर अप्लाई कीजिए। Okay. और मैम ड्राई एंड फ्लेकी स्कैल्प जो होता है, स्कैल्प सूखा होके और फ्लेक्स निकल रहे हैं, उसी के लिए भी ऐसे इस्तेमाल करेंगे? हाँ, ऐसे ही हम लोग वहाँ पर और एक काम कर सकते हैं, मोरिंगा ड्रॉप के साथ भी आप वाटर मिला के अप्लाई कर सकते हो, या फिर डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू के साथ रोज वाटर मिला के अप्लाई कर सकते हो। ये सारा जो प्रोडक्ट है ना वो आपका स्कैल्प का जो इचीनेस है या फिर फ्लेकीनेस है उसको खत्म करने में मदद करेगा। पानी ज्यादा करके पीजिएगा, हाइजीन मेंटेन कीजिएगा, पिलो कवर रेगुलर बेसिस में चेंज कीजिएगा,
अपना कंघी या फिर कोम किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, टॉवल भी अलग रखिएगा। हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है इस किस्म के प्रॉब्लम के लिए। तो जो डैंड्रफ हम लोग बताते हैं कि हम लोग लगा रहे लेकिन डैंड्रफ जा नहीं रहा है, तो उसके लिए ही मैम ने आपको जो हाइजीन का बात किया है वो जरूर कीजिए, क्योंकि जब भी डैंड्रफ लौटते हैं तो हम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि डैंड्रफ लौट रहा है जा नहीं रहे, तो इसका कारण है हाइजीन डेफिनेटली। और हाइजीन को मेंटेन करने के साथ साथ आप लोगों का और एक सवाल है जो कि मैं मैम के पास रखने वाली हूँ कि दो मुहे बाल, खास करके लेडीज लोगों का, और ठंड के मौसम में ज्यादा होता है दो मुहे बाल, तो दो मुहे बाल को हम लोग तो हमेशा हेना और ये सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खास करके ठंड के मौसम में किस तरीके से, जैसे नॉर्मल हम लोग केयर किस तरीके से करें? जी, दो मुहे बाल मैं पहले भी एक एपिसोड में बताए थे, अगर बाल दो मुहे हो चुके हैं उसको जुड़ना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग फेविक्विक भी लगा लेते हो तब भी जुड़ने वाली नहीं है, तो बेटर ये है कि जितना बाल दो मुहे हो चुके हैं उसको कट कर लीजिए, फिर टेक केयर करना शुरू कीजिए ताकि आपका हेयर फिर से दो मुहे ना हो। तो उसके एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ का जो प्रोटीन और न्यूट्रिएंट है स्कैल्प का वो एंड तक पहुंचता नहीं है, तो इसी वजह से वो धीरे धीरे रेडिश हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे क्रैक हो जाते हैं या फिर दो मुहे बाल हो जाते हैं। तो इस तरह से अपना हेयर का टेक केयर कीजिए कि ताकि पूरे हेयर और स्कैल्प आपका पूरा एकदम खाना उसको मिल सके या फिर उसको पानी मिल सके, इस तरह से उसको टेक केयर कीजिए। ऑयलिंग कीजिएगा, हेना कीजिएगा हफ्ते में कम से कम एक बार, या फिर समय नहीं मिलेगा तो 15 दिन में एक बार करने से भी होगा, और बहुत ज्यादा टाइम तक हेना स्कैल्प में रखने की या फिर हेयर में रखने की जरूरत नहीं है। आधा घंटे से 45 मिनट तक एनफ है फ्लाविया फ्रेश की हेना, आप चाहो तो हेना के साथ जैतून ऑयल या फिर कोई भी ऑयल फ्लाविया फ्रेश की जो है उसे भी मिला सकते हो। धीरे धीरे जो दो मुहे बाल है वो खत्म हो जाएगा। और एक टिप मैं पहले भी शायद दे चुकी हूँ, फ्लाविया फ्रेश की हेना के साथ हम लोग डिग्निटी जो फ्लाविया फ्रेश की टी है उसका लेकर बना के डायलूट करके फिर अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, जो चाय पत्ती का जो लेकर और फ्लाविया फ्रेश का जो है ना, क्योंकि उसके साथ और भी 9 किस्म का हर्ब्स मिला हुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो स्प्लिट हेंड्स को होने में रोकते हैं। ओके, तो इसी तरह से अगर आप टेक केयर करोगे तो आगे जाके आपका हेयर हेल्दी रहेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। और इसके साथ साथ विंटर में और जो स्टैटिक हेयर होता है, मतलब जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं या कंघी करते हैं तो हेयर चिपक जाते हैं स्वेटर से, तो ऐसे पूरा फूल जाते हैं स्टैटिक हेयर, तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए हम हेयर के ऊपर रोज वाटर स्प्रे कर सकते हैं या फिर नरिशिंग जेल जिसको हम लोग एलोवेरा जेल बोलते हैं उसको भी थोड़ा लगा के कंघी करने से ऐसा प्रॉब्लम आएगा नहीं। ओके मैम। और इसके साथ साथ मैम विंटर में मेन जो चीज है सप्लीमेंट्स, जो कि इसका टिप्स के साथ साथ आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, तो मैम सप्लीमेंट विंटर में क्या क्या इंटेक करने से बॉडी बेहतर रहेगा, स्किन बेहतर रहेगा और साथ ही साथ हम लोग का जो हेयर मेन पार्ट है वो भी ठीक रहेगा? नंबर 1 मैजिक बेरी, नंबर 2 सीबक्थ्रॉन, नंबर 3 आंवला, कर्कुमिन और मेरा फेवरेट फ्लेक्सिड, क्योंकि फ्लेक्सिड का जो ऑयल है लिंसिड ऑयल वो उसमें है, जो एक्चुअली क्या होता है लेडी लोग का जो हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, अगर ज्यादा उम्र हो जाएगा तो ड्राइनेस ज्यादा आ जाएगी स्किन पे, हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, तो फ्लेक्सिड अगर रोज कम से कम दो फ्लेक्सिड इंटेक करते हैं तो ये प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और आपका एक सवाल था विंटर में रिंकल आ जाना, जो फ्लेक्सिड हम लोग इंटेक करेंगे तो अंदरूनी तरीके से इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ तुलसी तो है, कफ सिरप जो फ्लैकोफ है फ्लाविया का वो भी विंटर में आपको काम आने वाली है, उसके साथ नीम और कर्कुमिन माय फेवरेट, ये दोनों भी आप इंटेक कर सकते हो। एक्चुअली फ्लाविया का जितना भी सप्लीमेंट्स है किसको छोड़ के किसका हाथ पकड़े, सारे एक से बढ़कर एक है, आप अपना जरूरत के हिसाब से या फिर आपका जो इच्छा है उसके हिसाब से इंटेक कर सकते हो। साथ ही साथ थोड़ा पानी ज्यादा पीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपना पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, खासकर बच्चे लोग के और बुजुर्ग लोग के। तो थैंक यू सो मच मैम, मैम ने इतनी अच्छे से आप लोगों का जो विंटर केयर का सवाल था उसका आंसर दिया है। इसके लिए मैम के लिए जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि कैसा लगा आज का आपका जितने भी क्वेश्चन था उसका आंसर देने से, कितना अच्छा लगा है। और आपका जो भी क्वेश्चन है मन में, जो क्वेश्चन है वो मन में ना रख के वहां पे जाके कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और हम लोग जरूर आपको, आप लोगों का जितने भी क्वेश्चन है उसका भी आंसर लेने की कोशिश करेंगे मैम से।
और इसी के साथ साथ आज का प्रोग्राम हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग खुश रहिए, विंटर में अच्छे रहिए, और विंटर में जो सप्लीमेंट मैंने बताया वो सब इंटेक करते रहिए, पानी खूब पीजिए, और एकदम स्किन में एंड हेयर में टेक केयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्ते।